अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोंस। लास्ट वीडियो में हमने इनपुट टैग को डिटेल में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम टेक्स्ट एरिया टैग, सेलेक्ट टैग, ऑप्शन ग्रुप टैग और डाटा लिस्ट टैग, इन टैग्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं अपना कोड ओपन कर लूंगा और लास्ट हम यहां तक काम कर रहे थे, इसे मैं ब्राउजर में भी ओपन कर लूंगा और ये इनपुट एलिमेंट्स हमने लास्ट के वीडियो में कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेक्स एरिया टैग से। बेसिकली आपने ऑनलाइन फॉर्म्स में देखा होगा कि आपके पास एक काफ़ी बड़ी इनपुट बॉक्स होता है जिसमें कि आप डिस्क्रिप्शन का टैक्स या डिटेल जो टैक्स लिखना होता है उसको लिख सकते हैं, और आपके पास एक हैंडल भी होता है उसके बॉटम राइट कॉर्नर में जिसको यूज करते हुए आप उस इनपुट का साइज चेंज कर सकते हैं। ये जो इनपुट है ये टेक्स्ट एरिया इनपुट कहलाती है। यहाँ पर मैं आऊँगा और जो हमारी करंट इनपुट है इस डिव को मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर एक न्यू डिव इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और इन दो बटन्स को, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इन दोनों बटन्स को, इस सिंपल बटन को यहाँ से मैं रीसेट के बटन को बाहर मूव कर दूंगा। बटन सारे मैं एक जगह पे रख लूँगा और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इसे मैं यहाँ से क्लोज करूँगा और इन बटन्स को मैं एक डिव में रैप कर दूंगा। सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। बटन सारे एक लाइन में आ गए हैं और बाकी जो डाटा है वो एक लाइन में आ रहा है। अब इस डिव में मैं टेक्स एरिया इस टैग को स्टार्ट करूंगा। नेम सेम एट्रीब्यूट जो इनपुट का था, इसका टेक्स्ट एरिया का नाम डिफाइन करने के लिए मेनली हमें कोडिंग में हेल्प करता है इसको सिलेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा जो और इसका जो इम्पोर्टेंट काम है नेम एट्रीब्यूट का टेक्स्ट एरिया के लिए और बाकी सारी इनपुट के लिए, वो ये है कि जब ये फॉर्म सबमिट होता है PHP में तो जो हमने इसका नाम दिया होता है उस नाम के थ्रू हम इसका डाटा रिट्रीव करते हैं। ये PHP का कॉन्सेप्ट है, ये बताना यहाँ पे जरूरी था तो वो मैंने क्लियर कर दिया। आईडी वो हमें समझ आ गई। उसके अलावा ये दो और एट्रीब्यूट्स हैं जिसको कि हम एंड पे स्टडी करेंगे, अभी नहीं। मैं अभी के लिए इनको रिमूव कर दूंगा और सिर्फ सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ा इनपुट बॉक्स आ गया और हमने अभी कुछ नहीं किया और हमारे पास ये एक हैंडल भी है जिसको के यूज करते हुए मैं इसका साइज कम या ज्यादा कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सेम प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट है, एंटर योर मैसेज, ये किया, सेव किया, रिफ्रेश और वो प्लेस होल्डर बीच में आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज है वो इतना हो तो इसको आप जो अभी हमने दो एट्रीब्यूट्स देखे उनके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसकी वर्टिकल हाइट है वो कंट्रोल होती है नंबर ऑफ रोज से, कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, और जो हॉरिजॉन्टल हाइट है वो कंट्रोल होती है नंबर ऑफ कॉलम से। तो मैं वर्टिकल हाइट को इंक्रीज करूंगा रोज और मैं उसको कह दूंगा 40। सेव करूंगा, रिफ्रेश और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा बॉक्स हो गया। मैं इसको कम कर दूंगा 20 पे, सेव, रिफ्रेश, अभी भी ये काफ़ी बड़ा है। मैं इसको 10 कर दूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश, अभी ये ओके है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल हाइट के लिए हमारे पास है कोल्स, इसमें मैं 30 एंटर करके सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स, इसकी जो हॉरिजॉन्टल हाइट विड्थ है वो इंक्रीज हो गई है। तो इन दो एट्रीब्यूट्स के साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसमें हमारे पास जो वैलिडेशन के एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है वो है रिक्वायर्ड मेन लेंथ, जो कि आप कह सकते हैं कि हमारे मिनिमम 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्स लेंथ जो आप कह सकते हैं 100 कैरेक्टर्स होने चाहिए, रिफ्रेश, और इसमें हमारे पास वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं है। अगर आपने इसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है तो वो आप इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग में ऐड करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू, ये इस तरह आएगी, रिफ्रेश और वो डिफॉल्ट वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो ये एक डिफरेंस है इसका नॉर्मल जो इनपुट टैग है उससे। एक चीज जो मैं आपको क्लियर करता चलूं नेक्स्ट टैग पे मूव करने से पहले, वो ये है कि ये जो मिन लेंथ है ये बेसिकली करेक्टर लेंथ है,
मैं यहाँ पर अगर इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट दिस फॉर्म, और इसमें से वैलिडेशन हटा देता हूँ, रिक्वायर्ड इसमें से हटा के रिफ्रेश करता हूँ, मैं सबमिट करने की कोशिश करूँगा, वो अब बता रहा है कि ये 20 करेक्टर्स यहाँ पे होने चाहिए। ये जो मिन लेंथ का एट्रीब्यूट है, ये नंबर ऑफ करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस नंबर फील्ड की, जिसमें सिर्फ हम नंबर लिख सकते हैं, ए बी सी नहीं लिख सकते, इसमें अगर आप चाहते हैं कि इसमें मिनिमम यूजर 100 एंटर करें, तो आप इसमें 100 मीन के मिन लेंथ को यूज करते हुए नहीं कर सकते, क्योंकि वो नंबर ऑफ करेक्टर्स देखेगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा कि 100 करेक्टर्स मैं यहाँ पे लिख सकूं, वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। उसके लिए जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है, मैं पहले नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ये वाली इनपुट है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर कहता हूँ यहाँ पर कि मिन लेंथ, आप कहेंगे कि भाई हमारे पास यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 100 आए, तो मैं इसको 3 सेट कर देता हूँ, लेकिन वो वैलिड यूज केस नहीं होगा और इसको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी वैलिडेशंस नहीं चलेंगी के साथ। अभी मैं जब सबमिट करता हूँ तो ये सबसे पहले नल की वैलिडेशन आई, अब मैंने 1 प्रेस किया, एंटर किया, इस पर वैलिडेशन आ गई, यहाँ पे किया, ये 20 करेक्टर्स मांग रहा है इस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर का है, इसके मीन लेंथ काम नहीं करती। इसके पास जो हमारे पास जो एट्रीब्यूट है, जो इस चीज को वैलिडेट करता है कि यूजर मिनिमम 9 एंटर करें या 9 से बड़ा नंबर एंटर करे, तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट है वो है मेन का एट्रीब्यूट। मेन मैं कह दूंगा 7। इसका मतलब है कि यूजर 3 एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता, ये इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए 7 के। मैं 7 करूंगा, ये वैलिड वैल्यू है, और इस टेक्स एरिया से मैं अभी के लिए ये वैलिडेशन 20 वाली हटा दूंगा। 2 करेक्टर सबमिट एम्प्टी है, यहाँ पे 2 करेक्टर की है और वो बेसिकली अभी ओल्ड वैलिडेशन पे चल रहा है। ये ले, ये हो गया, और ये ले, वहाँ पे 12 एंटर किया था, वो 7 से बड़ा है, और यहाँ पे मैंने 3 करेक्टर एंटर कर दिए जो कि 2 करेक्टर से ज़्यादा है। एक दफ़ा इसे फिर रिपीट कर देता हूँ, मेन लेंथ और मैक्स लेंथ ये कंट्रोल करते हैं कि नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने लिखे हैं। ए एक करेक्टर है, बी एक करेक्टर है, सी एक करेक्टर है, डी एक करेक्टर है, और जो ये मिन और यहाँ पर सेम मैक्स, ये जो एट्रीब्यूट है, एक तो ये सिर्फ लगता नंबर फील्ड के ऊपर है, अगर टाइप नंबर है तब ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। और ये कंट्रोल करते हैं कि जो मिनिमम नंबर यहाँ पे यूजर ने एंटर किया है, मिनिमम नंबर वो बेसिकली 7 होना चाहिए, 7 से कम 3 एंटर नहीं कर सकता यूजर। सबमिट करने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि 7। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर टाइप पे काम करते हैं, और ये वैल्यू को चेक करते होते हैं कि ये 100 से ज्यादा अब एंटर नहीं कर सकता। मैं 100 एंटर करके इसको कम करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली, और अगर मैंने यहाँ पे 1000 एंटर कर भी दिया है, क्योंकि ये लेंथ पे तो चेक लगा नहीं हुआ कि इस पे सिर्फ और सिर्फ 3 करेक्टर ऐड करने थे, ये नंबर की वैल्यू पे चेक लगा हुआ है, सबमिट करूंगा तो वो कह देगा कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यू है वो काफी बड़ी ऐड कर दी है। मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये एंटर कर दिया यहाँ पे जो कि 100 से बहुत ज्यादा। तो जैसे ही मैं ये ऊपर और नीचे, ये नीचे वाला एरो एक नंबर कम करने के लिए इस पे है, ये देखें एक यूनिट कम हो रहा है, और आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्रेस करूं तो ये सीधा एक डिटेक्ट ना करे बल्कि कम डिटेक्ट करे। उसके लिए जो हमारे पास है, ये एट्रीब्यूट भी सिर्फ नंबर टाइप पे ही काम करता है, वो है स्टेप। मैं इसको कह देता हूँ 0.1 डिटेक्ट करे सिर्फ, रिफ्रेश करूंगा और अब करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये 0.1 इंक्रीज कर रहा है पहले, और डिक्रीज भी 0.1 कर रहा है। आप चाहें तो इसको 7 कह दें कि 7 का इंक्रीमेंट लगे, मतलब ये 7 स्टेप मूव करेगा। ये किया, अब किया 7 पे आया, फिर 14 15, मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस स्टेप के साथ। ये तीनों एट्रीब्यूट्स नंबर टाइप पे ही सिर्फ काम करते हैं, और ये दूसरा जो मिन लेंथ और मैक्स लेंथ है, ये नंबर पे बेसिकली ये जो बाकी इनपुट टाइप्स हैं उन पे काम करता है, और ये एक्चुअल लेंथ ऑफ करेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ना कि उसकी वैल्यू को। कि मैं अगर यहाँ पे 100 लिख देता हूँ तो ये एक्चुअल लेंथ ऑफ करेक्टर 3 है और ये वैल्यू 100 है, ये डिफरेंस है। ओके, मैं अब नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट जो हमने इसमें करना है स्टडी, वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट बेसिकली हमारा काम आता है
यहां पर मैं इसे रिमूव कर दूंगा। और सिलेक्ट का बेसिकली टैग हम फॉर्म में यूज करते हैं एक सिलेक्ट ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। आपने काफी फॉर्म्स में देखा है कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें से आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी से सिलेक्ट का नाम। ये सिलेक्ट का बेसिकली टैग आ गया और इसके अंदर अब हमें ऑप्शन बताने पड़ेंगे और उसके लिए सेम ऑप्शन का टैग, जो नाम है वही इसका काम। यहाँ पे मैं कह देता हूँ एक डिफॉल्ट दे देते हैं सिलेक्ट ए ऑप्शन, ये मीन के डिफॉल्ट हमने दे दिया। और अब ऑप्शन हम एक्चुअल ऑप्शन वैल्यू वैल्यू के साथ कि इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं अभी के लिए कह देता हूँ कि कैटेगरी के लिए चलें इसको कह देते हैं, यहाँ पे कह देते हैं सिलेक्ट का कैटेगरी, और यहाँ पे मैंने कैटेगरी कह दिया प्रोग्रामिंग और वैल्यू भी इसकी वही होगी प्रोग्रामिंग। सेव किया, यहाँ पे डिजाइनिंग और मार्केटिंग और यहाँ पर टेस्टिंग और ये हमारे पास फ्री लॉन्सिंग, ओके। और यहाँ पे मैं इसको लेबल असाइन कर दूंगा, इसको आईडी देनी पड़ेगी, आईडी ZTech Institute Courses, ओके। ये हम बेसिकली एक मैंने सिंपल सी लिस्ट बना दी है कोर्सेज की जो कि ZTech प्रोवाइड करता है, ZTech Institute Physical Courses, ओके। ये मैंने एक लिस्ट बना दी यहाँ पे रैंडमली। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा तो ये ड्रॉप डाउन मुझे इनेबल है और यहां से अब मैं किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूं, वो यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। आप अगर चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब रिफ्रेश करें तो यहां पर प्रोग्रामिंग सिलेक्टेड होना चाहिए, तो जो मैंने अभी बोला कि सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट आप उसको ऐड कर दें, सिलेक्टेड होना चाहिए तो सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट इसको ऐड कर दें। रिफ्रेश करूंगा, प्रोग्रामिंग सिलेक्टेड है, नहीं कोई सिलेक्टेड करना तो सिलेक्टेड एट्रीब्यूट ना ऐड करें, कोई भी सिलेक्टेड नहीं होगा। ये अब एक कोडिंग स्टैंडर्ड है कि एक सिलेक्ट के टैग में जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक को सिर्फ सिलेक्ट का लगा होना चाहिए, सॉरी सिलेक्टेड का जो एट्रीब्यूट, आप दो को लगा देंगे तो जो एंड पे लगा होगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉजिकली गलत है, ठीक है, आपको कोई वार्निंग तो नहीं आएगी लेकिन लॉजिकली ये चीज गलत है, आपने सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट देना। रिफ्रेश और ये ठीक हो गया। नेक्स्ट आप कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली आपने किसी साइट पे शायद देखा हो या शायद ना देखा हो, ये इतना कॉमन नहीं है लेकिन काफी अच्छा लगता है देखने में कि यहाँ पर हम इसे कैटेगराइज कर सकें, जैसे प्रोग्रामिंग की एक कैटेगरी बन जाए और उसमें जो जो कोर्सेज कवर करवाए गए हैं वो आ जाए, तो उसको कवर करने के लिए जो हमारे पास टैग है वो है ऑप्शन ग्रुप का, हमारे पास ऑप्शन ग्रुप ये टैग है, इसमें ये चीज आ जाएगी ऑप्शन ग्रुप और इसमें हम बेसिकली इसका हम लेबल दे देते हैं इसको प्रोग्रामिंग, कि कौन से ये ग्रुप का इसका नाम क्या है, इसका लेबल क्या है, प्रोग्रामिंग है और इसमें कौन कौन से हम कोर्सेज कवर करवा रहे हैं वो हम बता देंगे कि भाई हम कवर करवा रहे हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ओके। और इसको मैं कॉपी कर लूंगा, वैल्यू चेंज होगी अब क्योंकि ये अब चेंज हो गया, यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा, सॉरी इनको मैं दोनों को नीचे ले आऊंगा क्योंकि ये अलग है, और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा मोबाइल डेस्कटॉप और कॉपी करके गेम सेव करके रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये एक ग्रुप बन गया जो कि एटलीस्ट देखने में विजुअली बहुत प्यारा लगता है, इसी तरह हम बाकियों के भी ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट जो इनपुट टैग है उससे, जो कि हमारे पास है डेटा सेट का इनपुट टैग, उसके लिए मैं यहाँ पर एक और डिव इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और एक लेबल ऐड करवाऊंगा जिसमें मैं लिख दूंगा इनपुट विद ऑटो कंप्लीट डेटा सेट, ओके। और इसमें मैं फोल्ड दे दूंगा जिसको मैं कह दूंगा डेटा सेट इनपुट, आप कहेंगे ये अभी तक मैंने आईडी किसी को साइन नहीं की तो वो मैं कर देता हूं, बस एक मिनट। इनपुट जो कि मैं सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म की लेके आऊंगा और आईडी मैं इसको साइन कर दूंगा, नेम भी मैं इसका यही रख दूंगा।
और अब अभी के लिए मैं ऐसे ऐसे ही इसको सेव करके यहाँ पे कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेन जो चीज मैं यहाँ पे आपको डाटा सेट के टैग के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि काफी ऐसी इनपुट्स होती हैं जिस पे आप ऑटो कंप्लीट देना चाहते हैं कि यूजर जब उस पे क्लिक करे तो एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ इनपुट उसको होना चाहिए जिसमें से वो टाइप करता जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम्स कुछ एंटर कर देता हूँ या अगेन हॉबीज ही एंटर कर देता हूँ, तो उसके लिए जो ऑटो कंप्लीट के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, जो टैग है, वो है डेटा सेट का, यहाँ पे डेटा लिस्ट का, सॉरी डेटा लिस्ट का टैग है, इस पे आए और इसमें हम आईडी इसको असाइन करते हैं कि ये डेटा लिस्ट को आईडी असाइन हो रही है। यहाँ पे मैंने कह दिया हॉबीज डेटा लिस्ट, ये आईडी हो गई। और यहाँ पर मैं इसको बता दूंगा कि इसकी लिस्ट कौन सी है, जो कि लिस्ट से मुराद डेटा लिस्ट है। यहाँ पर अब मैंने सिर्फ इसके ऑप्शन बताने हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन मैं इसको दे दूंगा रनिंग, वो सेम ही हम यूज कर लेगा। तो रनिंग, यहाँ पर हमारा जो दूसरा था लर्निंग, और तीसरा लास्ट था हमारे पास टीचिंग। ओके, सेव, रिफ्रेश। और अब की बार जब मैं इस पे, ये एक तो ये चेंज आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन का आइकन आ गया, क्लिक करूंगा, ये हमारे पास डेटा सेट है, क्लिक करूंगा वो सेट हो गया। उसके अलावा भी जब मैं यहाँ पे एल से स्टार्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर कर देगा। यहाँ पे मैं एक और सिर्फ लाहौर ऐड कर देता हूँ सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। मैं ये देखें अभी सारे आ रहे हैं, एल किया है उसने फिल्टर आउट कर दिया कि ये डाटा सेट है जिनमें जो स्टार्ट हो रहे हैं एल के साथ। अगर मैं आई लिखूंगा तो वो पूरे में से फिल्टर कर रहा है कि ये वो डाटा सेट है जिनमें आई कहीं ना कहीं पे आ रहा है। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऑटो कंप्लीट का, जो कि यूजर को काफी पसंद आता है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने टेक्स्ट एरिया टैग, सेलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ग्रुप और डेटा लिस्ट टैग, इन टैग्स को स्टडी किया। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और बहुत सी वीडियोज आने वाली हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.